जब भी कोई कभी भी अपने सामने खतरा देखता है या मौत के कगार पे होता है तो वो अपने देवता के खोज में निकल जाता है ताकि वो उसकी मदद कर सके। चाहे फिर वो कोई भी देवता हो या किसी भी प्रकार का देवता हो, चाहे वो बुद्धा हो या फिर कोई और हो, और वो जिस देवता की पूजा करते हैं तो उससे मदद की उम्मीद रखते हैं कि वो उनकी मदद करेगा। लेकिन आखिर क्या हो जब कोई देवता ही खतरे में हो, तो वो किससे मदद मांगेगा? और यहीं से स्टोरी की शुरुआत होती है। तो स्टोरी की शुरुआत में ही हमें एमसी को दिखाया जाता है, अपने मेन कैरेक्टर को, जिसकी आंखें खुलती है तो वो सोच में पड़ जाता है कि आखिर वो किस जगह पे आ गया है। उसे तो अब तक मर जाना चाहिए था। नहीं, मौत तो बस एक शब्द है जो कहा जाता है जीवन के बाद को। मैं अब किसी दूसरी जगह पे आ गया हूँ, मैं एक तरह का क्रिएचर बन गया हूँ जो इधर से उधर पहुँचा दिया गया हूँ। तभी वो अपने सिस्टम को बुलाता है कि काश वो खुल सके, लेकिन सिस्टम के पास ये एक्सेस ही नहीं है, ये ताकत ही नहीं है कि वो इस जगह पे काम कर सके। और चेंग सेन मेन कैरेक्टर सोच में पड़ जाता है कि आखिर हो क्या रहा है। उसकी डिवाइन ताकत जो है कुछ भी नहीं दिख रही है, ना ही डिवाइन सीट दिख रही है, ना ही भरोसा दिख रहा है, ना ही बाकी की चीज़ें दिख रही हैं। ऐसा लग रहा है जबरदस्ती उसकी सारी ताकत को छीन लिया गया है। अब उसके पास कोई भी दिव्य शक्तियाँ बची ही नहीं है और वो यहाँ पे अकेला ही बचा है। शब्दों का खेल है। तभी उसे कुछ महसूस होता है। वो पीछे मुड़ के देखता है तो वहाँ पे एक नदी होती है जहाँ से एक नाव चली आ रही होती है और उस पे एक इंसान खड़ा हुआ होता है, आदमी। तभी वो एक फरमान आगे लाता है और कहता है, क्या तुम्हारा नाम ली जेंगसन है, जिसे ट्वाइलाइट ऑफ गॉड भी कहते हैं? और हाँ, तुम्हारे पिता का नाम ली जोमयोंग है और तुम्हारी माता का नाम सो योहा है, जो कि तुम्हारा जन्म हुआ था कोरिया में अर्थ में दिसंबर 2001 में, और किसी अनजान कारण के वजह से तुम प्लेनेट आर्केडिया गए थे 2027 में, और उसके बाद तुम वहाँ पे एक स्टार बन गए, जिसके बाद तुम एक इविल गॉड बन गए, जिसके बाद तुमने मिलियंस ऑफ गॉड को मारा, उसके बाद तुम्हें पकड़ लिया गया और उसके बाद तुम्हें ट्रायल के लिए भेज दिया गया। और जितनी बातें मैंने बोली वो सारी सही है, तो क्या तुम अब मेरे सवालों के जवाब दोगे? और अब तुम समझ सकते हो कि आखिर ली जेंगसन कितना खतरनाक है, जिसने मिलियंस ऑफ गॉड को मार के वो अभी तक पूरी तरह से मारा नहीं है। ली जेंगसन उसकी बात सुनता है और अपना पंच बढ़ाते हुए सीधा उस आदमी की तरफ बढ़ जाता है। वो उसे पकड़ने लगता है, लेकिन तुरंत ही वो आदमी जंप करता है और उससे दूर हट जाता है और तुरंत ही अपनी तलवार निकाल लेता है और ली जेंगसन के ऊपर हमला करने लगता है। ली जेंगसन भी अपना पंच बना लेता है और दोनों के बीच में एक जोरदार फाइट होने लगती है। दोनों के वार एक दूसरे से टकराते हैं, जिससे नदी जो है दो टुकड़े में कट जाती है। ये उसकी ताकत को देख के वो आदमी भी काफ़ी हैरान होता है और ली जेंगसन भी पीछे होने लगता है। तभी ली जेंगसन इधर उधर दिशा बदल के उसके ऊपर हमला कर रहा होता है, लेकिन वो आदमी भी कच्चा नींबू नहीं होता। वो भी अपनी तलवार का इस्तेमाल करके उसके अटैक को बड़ी आसानी से डॉच कर रहा होता है और उसे एकदम आसानी से नॉकआउट कर रहा होता है। तभी वो वापस से नाव में आ जाता है, गुस्से से ली जेंगसन की तरफ देखता है। ली जेंगसन भी इस समय बहुत ही ज़्यादा गुस्से में दिखाई दे रहा होता है। वो अपने चेहरे पे जितना भी पानी होता है उसे पोंछता है और वापस से लड़ने के लिए तैयार होता है, लेकिन तभी कुछ छोटे छोटे क्यूब जो हैं सीधा ली जेंगसन के चारों तरफ घूमना चालू कर देते हैं और इसी के साथ साथ उसे हथकड़ियों में बांध दिया जाता है। ये एक ऐसी हथकड़ी होती है जिससे तुम डिवाइन पावर का इस्तेमाल ही नहीं कर सकते, तुम अपनी ताकत का इस्तेमाल भी नहीं कर सकते। इससे बड़े बड़े देवता भी कमज़ोर हो जाते हैं। और ली जेंगसन जैसे ही कैद होता है तो वो सोचने लगता है कि मुझे जब डिवाइन पनिशमेंट मिल रही थी, सज़ा मिल रही थी, तो तब मैंने इन लोगों को तो देखा नहीं, तो मुझे लगा कि मैं अब आज़ाद हो गया हूँ। और तभी पूछता है कि आखिर तुम लोग कौन हो? तभी वो आदमी कहता है, अरे मुझे माफ़ कर देना, मैंने अपने बारे में तो कुछ बताया ही नहीं, मैं यहाँ का अंडरवर्ल्ड का टॉप रैपर हूँ, जिसे यूलू के नाम से भी जाना जाता है। अंडरवर्ल्ड का नाम सुनते ही लिंगटन पूछता है, ली जेंगसन, अंडरवर्ल्ड, क्या तुम कह रहे हो कि ये आफ्टर लाइफ है? रैपर यूलू कहता है, हाँ सही कहा, ये जो जगह देख रहे हो ये नदी है पाप और पुण्य की, इसी के जरिए तुम हेल में जाओगे। जेंगसन कहता है, जिसे भी डिवाइन की सज़ा मिलती है तो वो ये सारी चीज़ें नहीं कर सकता, उसका पुनर्निर्माण नहीं होता, तो आखिर फिर मुझे आफ्टर लाइफ में क्यों भेजा गया है? रैपर यूलू कहता है, क्योंकि तुम्हारा जो जितने भी
तुमने पुण्य और पाप किए हैं उसका जजमेंट यहाँ पे होगा, हमारे कमांड में होगा, और बाकी की डिटेल जो है मैं तुम्हारे साथ सफ़र में तुम्हें बता दूँगा। और जो जिस इंसान ने तुम्हें यहाँ पे बुलाया है वो तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। चिंतन सोच में पड़ जाता है चेंगसेन, और इसी के साथ साथ वो नदी के सहारे, उस नाव के सहारे जाने लगते हैं जहाँ पे उन्हें जाना है। और इसी के साथ साथ यूलू बता रहा होता है जो आर्केडिया है वो बहुत ही ज़्यादा अलग ही प्लेनेट है, अर्थ के मुकाबले वो पूरी तरह से अलग है। उसकी बातें सुन के ली जेंगसेन पूछता है, इसका मतलब जब तुमने कहा था कि तुम मेरा जो तुम्हारा अधिकार है मेरे ऊपर, तो तुम इसी बारे में बात कर रहे थे कि मैं तुम्हारे अंडर आता हूँ? यूले कहता है कि हाँ सही कहा, और वो आगे बढ़ते जा रहे होते हैं। यूले बताता है कि जितने भी इंसान हैं वो अपनी पूरी ज़िंदगी, जितने भी उनके जीवन मरण का जो चक्र होता है, उन सभी चीज़ों को पहले ही लिख के रख लिया जाता है। जीवन से अंत तक उनके रिकॉर्ड हमेशा यहाँ पे ही लिख दिए जाते हैं कि आखिर वो कब पैदा होंगे और कब मरेंगे, कब उन्हें जीवन मिलेगा। उसकी बातें चेंगसेन ध्यान से सुन रहा होता है। तभी यूले कहता है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं, कभी कभी कोई ऐसी कड़ी आ जाती हैं जब कभी हमसे भी चूक हो जाती है, और इसी वजह से हमने तुम्हें बहुत ही मेहनत से तुम्हें ढूंढा है, हमने जाने कितने स्टार को ढूंढा तब जाके तुम हमें मिले हो। जेंगसेन पूछता है, इसका मतलब तुम आर्केडिया से ही मुझे ढूंढ रहे हो, आर्केडिया वाले इंसिडेंट की वजह से मेरे पीछे पड़े हो? यूले कहता है, हाँ सही कहा, और वैसे भी तुम एक देवता बन गए थे जिस वजह से तुमने और भी ज़्यादा तबाही मचाई, और इसलिए हम लोगों को बहुत सारे ऑर्डर लगाने पड़े ताकि हम तुम्हें यहाँ पे लेके आ सके, जाने कितने जुगाड़ लगाने पड़े। चेंगसेन तो खुश हो गया होता है, लेकिन तभी उसको अपनी लाइफ की कुछ प्रतिलिपियाँ दिखाई देती हैं, वो अपनी आंखें मूंद लेता है। तभी वो बोलता है, आखिर तुमने ये सारी चीज़ें क्यों की? क्या तुम सिंपली बस मुझे अपनी तरफ बुला नहीं सकते थे? आखिर तुम आसानी से भी तो मुझे बुला सकते थे, तो आखिर तुमने इतना तामझाम क्यों किया? यूलो कहता है, मैं समझ सकता हूँ आखिर तुम कैसा महसूस कर रहे हो, लेकिन ये ऊपर से आदेश आया हुआ है। चेंगसेन कहता है, इसका मतलब तुम्हारे ऊपर भी है कोई सुपीरियर है जो ये सारी डिसीजन लेता है? यूले बताता है कि हाँ है ना, थैनाटोस, जो कि इस अंडरवर्ल्ड के किंग है, जिसे तुम यमराज नाम से भी जान सकते हो, डेविल। और इसी के साथ साथ वो एक पैलेस के पास आ गए होते हैं जहाँ पर वो पहुँच गए होते हैं। तभी यूले कहता है कि मेरे साथ करीब ही करीब रहना, और इसके बाद वो परछाई बन के, एकदम प्रकाश बन के वहाँ से निकलने लगते हैं। आसपास की चीज़ें देखते हुए यूले बता रहा होता है, ये नरक की आग है जो पाप और पुण्य नाप के उन्हें सजा दे रही है, और ये नरक की ठंडक है जो उनके काम के हिसाब से उन्हें सजा दे रही है। तभी वहाँ पर बहुत सारे स्टैचू, बहुत ही सारे मॉन्स्टर जो होते हैं, अजीब अजीब तरीके से सील हुए होते हैं। उनको देख के पूछता है चेंगसेन, आखिर ये लोग कौन है और आखिर इस तरह क्या किया गया है? तभी बताता है रैपर यूले कि ये लोग पहले भगवान हुआ करते थे, बैटल गॉड हुआ करते थे, लेकिन अब ये पापी बन के रह गए हैं, ये बस ऐसे देवता हैं जिन्होंने शपथ को तोड़ा है, और तुम ये सारी चीज़ें देख के बहुत ही ज़्यादा दिलचस्पी ले रहे हैं। तुम समझ सकते हो ये जितने भी लोग हैं ये टूटते तारे हैं, मतलब एक समय में ये बहुत ही ताकतवर एंटिटी थे, लेकिन आज के युग में बस ये सील पड़े हैं। इनके पाप और पुण्य को नाप के इनकी सोल को कैद करके रखा गया है, और हाँ हमारा ही काम है ताकि इस तरह की आत्माओं, इस तरह की मॉन्स्टरों लोगों को सील करके रखा जाए, हम लोग उनको सील करके रखते हैं। उसकी बातें सुन के चेंगसेन पूछता है, मैंने तो इसके बारे में कभी नहीं सुना। यूले बताता है कि देखो, अगर तुम्हें इसके बारे में पता चल जाता तो स्वर्ग में जैसे तुम्हारी कोई प्रेस्टिटी है, मतलब स्वर्ग के लोगों को पता चलता कि इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, तो वो आपत्ति कर सकते थे, और तुम नीचे देख सकते हो कुछ लोगों को जो कि लेबर का काम कर रहे हैं, इन लोगों ने कम पाप किए थे इसलिए उन्हें लेबर का काम दिया गया है। इसी के साथ वो एक बड़े से दरवाजे के पास आ गए होते हैं, पहुंच गए होते हैं। तभी यूले झुकता है गेट के सामने और कहता है, मैं फर्स्ट क्लास रैपर यूले, मैं अपने किंग के ऑर्डर पे टॉयलाइट ऑफ गॉड को यहाँ पे लेके आ गया हूँ। तभी दरवाज़ा खुलता है और वहाँ से अंदर आने का आदेश मिलता है, दिखाया जाता है वहाँ से इतनी खतरनाक एनर्जी निकल रही होती है जो कि महसूस चेंगसेन के पसीने छोड़ रही होती है। एक जोड़ी आंखें जो है वो अंधेरे से पूरी तरह से चेंगसेन को एकदम मुआयना कर रही होती हैं।
और चैंगसिंग ये सारी चीज़ें देख के सोच रहा होता है कि चीज़ें अब तो और भी ज़्यादा मज़ेदार होने वाली हैं। लोग और एपिसोड यहीं पे ख़त्म।